सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार शाहीन बाग प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है। ये सीधी तस्वीरें 1 बजे रात में हम शाहीन बाग प्रोटेस्ट से लेकर आ रहे हैं। आपको मालूम है कि जेएनयू में गुंडों ने घुस के देश की बेटियों को मारा है और देश की बेटियां सड़क पर आ चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 1 बजे रात की तस्वीरें हैं। जेएनयू में गुंडों ने देश की बेटी को घुस कर मारा और सड़क पर पूरी बेटियां सड़क पर विरोध कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें और पिता भी खुद साथ में है। आप कहाँ से आए हैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, ये बताइए। हम दिल्ली रोहनी से आए हैं और लगातार आते रहते हैं, दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ रात को क्योंकि लेट हम लोग हो जाते हैं, तो इसलिए एक दिन छोड़ के आते हैं। बेटा आप बताइए, मम्मी पापा पूरा परिवार मैं देख रहा हूँ, आपसे बात करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू में मैं लगातार बोल रहा हूँ कि देश की बेटी को गुंडों ने घुस कर मारा है और लाखों की तादाद में देश की बेटियाँ सड़कों पर है। कब कब आप आती है, रोजाना आती है, कितने देर तक यहाँ रहती है? पहली तो ऐसी बात है कि हम लोगों के फैमिली वाले ऐसे अलाउ नहीं करते, लेकिन इस टाइम ऐसी बात हो गई है तो फोर्स हमारे पेरेंट्स भी हमें अलाउ करेंगे ही करेंगे। और अगर लड़कियों के साथ ऐसा होगा तो पता नहीं देश में क्या होगा, तो ये नहीं पड़ेगा। हम लोग नहीं आ सकते, लेकिन मैं छोड़कर तो आ ही सकते हैं अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए। अगर हम अपने मम्मी पापा के लिए नहीं स्टैंड लेंगे तो कौन लेगा? आप तो नहीं लेंगे ना, हमें अपने परिवार के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा। अगर जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। मैं तो देख रही हूँ अभी तो इतना कम है, लेकिन लोग थोड़ा 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 करके बोलते रहते हैं, लेकिन अगर ये जो लोग सुनेंगे तो और ज्यादा उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और एटलीस्ट नरेंद्र मोदी को ये सोचना चाहिए यार। यहाँ पर लोग कई लोग कर रहे हैं 500 रुपए लेकर महिलाएं आती है यहाँ पर, क्या करना चाहिए, क्या देखा है? लोग कहते हैं 500 रुपए अपोजिशन कर रहा है, 500 रुपए लेकर महिलाएं यहाँ पर आती है और 1 बज रहा है, आप पूरा परिवार आपका साथ में, पिताजी साथ में, क्या करना चाहिए? वो कुछ भी कह सकते हैं, वो खुद यहाँ आए होते हैं 5,000 में, हम यहाँ करीब से आए नहीं, यहाँ पे आकर आए नहीं, 500 नहीं 5,000 ले जाए। अगर पैसों की बात होती तो हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े होते? अगर पैसों की बात होती तो हम यहाँ खड़े होते ही अपनी जॉब पे जा रहे होते। अब ये देखिए ना, 1 बजे हमें सुबह 11 बजे जॉब पे जाना ही होता है, तो हम वहाँ जाए या फिर यहाँ पे खड़े होके अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा देश है, लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन? हमें तो ये नहीं पता कि बाहर कैसा है क्या है, हम तो यहीं पैदा हुए तो यहीं मरेंगे ना, और कहाँ जाएंगे बताओ आप? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं का गुस्सा है कहीं ना कहीं, इस तरह की तस्वीरें हैं। पिता खुद अपनी बेटियों के साथ खड़ा है और इस तरह की तस्वीरें हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से आ रही हैं, मगर देश का नेशनल मीडिया लगातार झूठ बोल रहा है, सही तस्वीरें देश को नहीं दिखा रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, वो हिंदू और मुस्लिम करके तस्वीरें दिखा रहा है। मैं लगातार कर रहा हूँ कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट में पूरा हिंदुस्तान विरोध कर रहा है, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख, हर तरह की तस्वीरें साफ साफ आ रही हैं। पूरी टीम हमारी कवरेज कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।